The news run by Kashmir Crown over PMGSY work ends the misunderstanding between public and the PMGSY. As soon as the news was run on Kashmir Crown, the higher officials of PMGSY reached Chotipura, Shopia and explained their version of misunderstanding to the public and stakeholders. Public, PMGSY and contractors came on the single table and ended their grievances and misunderstandings. Meanwhile, the locals said the work executed by PMGSY at Chotipura, Shopia has won hearts of public. The locals further said that PMGSY has now completed their dream of better roads, which they have dreamed since last 70 years. This is Zeba on behalf of Dawood Naik, Bureau Report, Kashmir Crown. असर ना हो जहां कश्मीर क्राउन की टीम के लिए सहाफत इबादत है और लोगों की खिदमत करना ही हमारा मकसद है। कल हमने आपको छोटीपुरा में एक स्टोरी दिखाई थी और उस स्टोरी में कंट्रैक्टर और यहां के मुकामी अवाम के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट हुआ था, लेकिन कश्मीर क्राउन पर खबर चलने के साथ ही यहां के मुकामी लोग, कंट्रैक्टर्स और PMGSY टेबल पे आए और बात की और मसले को रफा दफा किया। इस वक्त अवकाफ कमेटी के चेयरमैन जो है निसार अहमद, उनसे हम बात करेंगे और ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस सिचुएशन को टैकल किया गया। जी निसार साहब, सबसे पहले कश्मीर क्राउन में आपका खैर मकदम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, शुक्रिया। सर, कश्मीर क्राउन ने कल एक न्यूज चलाई थी, उसमें कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ था आप लोगों के दरमियान, तो क्या कहना चाहते हो, कहाँ पर है वो अभी कन्फ्लिक्ट, क्या वो सॉर्ट आउट हो चुका है? दरअसल बात यह है सर, मैं चेयरमैन अवकाफ कमेटी छोटीपुरा से बोल रहा हूँ। आजकल हमारे रोड की मैग्नीफिकेशन हो रही है। ये जो हमारा रोड है, जो कि मैंने इससे पहले बताया कि ये कुछ जगहों पे 10 फुट था, कहीं पे 12 था, कहीं पे 14 था, तो फिर जब यहाँ पे हमने सुना कि मैग्नीफिकेशन हो रही है तो हमने इनके साथ बात की, तो इन्होंने कहा कि जो हमारे कंसल्टर ऑफिसर्स है, एईज है या ठेकेदार साहब हैं, इन्होंने कहा कि भाई रोड की जो वाइडनिंग है ये बिल्कुल मतलब इससे कम है, अगर आप उसको वाइडन करना चाहते हैं तो इस वक्त मौका है। तो हमने कहा, तो हमने उनका साथ दिया और उसमें हमें डिसमेंटलिंग करना पड़ा, दीवार भी उठाने पड़े, कहीं कहीं पे लोगों से पूछ के उनको एतमाद में लेके हमने जो है वो मतलब डिसमेंटलिंग की। लोग उस पर बिल्कुल, उन्होंने ताउन दिया हमारा, तो डिसमेंटलिंग में हमारा जो है ना पैसा खर्च हो गया, चाहे वो मतलब JCB का हो, चाहे वो ट्रैक्टर का हो, उसमें हमारा पैसा हो गया। और चूंकि हमारे पास कोई ये पर्सनल मामला नहीं, ये गाँव का मामला था, हमें वो पैसा बायतुल माल से खर्च करना पड़ा। और हम गुजारिश करते, बहुत अच्छा ताउन दिया उन्होंने, हमारे कंट्रैक्टर्स जो हैं दोनों, निसार साहब जो शकील साहब है, ये देखने में सिर्फ शकील नहीं लगते बल्कि अंदर से भी बिल्कुल खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, हम इनसे बिल्कुल मुतफिक हैं उनके काम से। लेकिन एक बात है, जो हमने अवकाफ से इसमें पैसा लगाया, तो वह हम गुजारिश करते हैं हुकाम से, एग्जिम साहब से, चीफ इंजीनियर साहब से, कि वो अगर कहीं से मिलता है तो वो हमें वह गुजार कीजिए, क्योंकि वो अवकाफ का पैसा है। हमने उनका बिल्कुल साथ दिया उस वक्त, हमने डिसमेंटलिंग की, हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, खुदा ना करे हम किसी और मामले के लिए नहीं मांग रहे। यहाँ पे हमारे इतने अवाम है, आप इनको भी दिखाइए, मैं इस अवाम के सामने मैं इनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कि अगर वो पैसा हमने उस वक्त खर्च किया वो हमें मिलना चाहिए सर। बाकी हमें मतलब इनके काम से कोई शिकायत नहीं है, इनका इनके काम का जो स्टैंडर्ड है वो हमने बाकी गाँव से भी देख लिया, हमारा बिल्कुल ये स्टैंडर्ड इसमें जो मटेरियल रहता है, हमें कोई शिकायत में इसमें नहीं है, ये बिल्कुल बड़े अच्छे से काम किया उन्होंने। लेकिन इतना है कि हम अपने हुकाम से, जो कंसर्न है उसके, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि जो हमने पैसा अवकाफ का इस पर खर्च किया वो हमें मिलना चाहिए सर, बाकी और कुछ नहीं सर। जी, आज यहाँ पे पूरी PMGSY के बड़े बड़े ऑफिसर्स आए, जो ही न्यूज़ कश्मीर क्राउन पे चढ़ी, तो पंसू को लेके आपने क्या उनसे बात की और क्या वहाँ से रद्दअमल मिला? हाँ, हम कल भी कह रहे थे कि हमने पैसा इसमें लगाया है अवकाफ का, आज भी कह रहे हैं कि हमने अवकाफ का पैसा लगाया, हम कल भी यही कहेंगे। हम उनसे सिर्फ ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपके पास है सोर्सेज, कोई वे आउट है, तो अवकाफ का पैसा इस पर, तो ये हमने किया खुद, किसी JEE के साथ बात करके नहीं किया है, किसी AE के साथ बात करके नहीं किया, हमने खुद लगाया इस पे हलशरी के बुनियाद पे। लेकिन हम इंसाफ चाहते हैं, अगर मिल सकता है तो, अगर उनमें कुछ पॉसिबिलिटी है, दे आर सपोज टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज टू गेट अवर राइट्स एक्सप्लोर। पूरा गांव के अवकाफ कमेटी के चेयरमैन है, उनका साफ तौर पर कहना है कि PMGSY का जो काम यहाँ पे चल रहा है वो वाकई काबिल तारीफ है, और साथ ही मैं उनका ये भी मानना है कि जो पैसा अवकाफ का खर्च हुआ है, अगर यहाँ के हुकाम
चाहते हैं कि यहाँ के अवकाफ में वो पैसा रहे, उन पैसा वो किसी भी तरीके से वो पैसा जो है वो अकोमोडेट करे। कुल मिला के बात ये देखनी होगी कि PMGSY के काम की छोटीपुरा में लोग बड़े तारीफें कर रहे हैं और शायद ये बाकी जो यहाँ पे बाकी दीगर PMGSY के काम चल रहे हैं उन इंजीनियर्स उन ठेकेदारों के लिए ये एग्जाम्पल होनी चाहिए कि वो भी इसी तरीके से काम करे और यहाँ के मुकामी लोगों के दिल जीत लिए जाए। क्राउन के लिए नायक दाऊद, ग्राउंड जीरो, छोटीपुर। आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर एक सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक जहां पे आप काबिल और माहिर डॉक्टरों के मशवरों से फैजियाब हो सकते हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ बिंदल थायराइड और शुगर मरीजों के लिए, हड्डियों के अमराज में मुब्तला मरीजों के लिए, डॉक्टर इश्तियाक अब्दुल्ला लिवर स्टोमक और इंटेस्टाइन के मरीजों के लिए, डॉक्टर हिलाल अहमद डार पेशे खिदमत रहते हैं। किसी भी तरह की सर्जिकल कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर गुलाम नबी लोन अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए अपनी खिदमात में हमेशा पेश रहते हैं। पैथोलॉजी में डॉक्टर सुबह परवेज और डॉक्टर फारूक सिद्दीक और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर कौसर बख्शी आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। फिजियोथेरेपी के लिए माहिर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सुमीना अल्ता की खिदमत भी हासिल कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट्स के लिए राब्ता कीजिए 9107020027 7889526378 0195526 2014 आसिफ मेमोरियल हेल्थ केयर, बांडी मोहल्ला, हंदवारा।